ओके, अब हम कटोरी ब्लाउज का फैब्रिक कटिंग देखेंगे, ठीक है। तो इसे प्लेस कर लेना है सबसे पहले। ये मैंने फैब्रिक फोल्ड करके रखा है, यहाँ पर मेरा फोल्ड है, ठीक है। ये मेरा बैक का कटिंग है, बैक पे यहाँ पर फोल्ड है, तो मैं फोल्ड को फोल्ड की ओर रखूंगी, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पर कोई पीस एडजस्ट होता है क्या वो देखूंगी, ठीक है। ये पीस मेरा एडजस्ट हो रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लूंगी। स्ट्रेट में आपको ये कटिंग करनी है, ठीक है। देन उसके बाद ये योग पट्टी है, ये मैं यहाँ पर एडजस्ट करूंगी। देन उसके बाद अब कटोरी का मेन है कि कटोरी हमें बायस में कट करना थी, ठीक है। अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो वो स्ट्रेट में कट हो जाएंगी, लेकिन आपको देखना है कि ये दोनों कोने ऐसे तिरछे जाए, मतलब अगर आप इसे इस तरीके से रखते हो तो आपकी कटोरी बायस में कट हो रही है, ठीक है। और कटोरी हमेशा बायस में ही कट करनी है, तो मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ इस तरीके से। अब मैं इन सबको मार्किंग कर लेती हूँ और कट कर लेती हूँ। ये मैंने अभी मार्किंग कर ली है, अब मैं इसे कट कर लूंगी, ठीक है। कटोरी ब्लाउज में आपको ध्यान देना है कि आपको कपड़ा कहीं पर भी वेस्ट नहीं करना, ठीक है। जितने भी आपके कपड़े के टुकड़े निकल रहे हैं वो आपको संभाल के रखने हैं, क्योंकि बाद में आपको पाइपिंग भी करनी होती है और नीचे की फिनिशिंग भी करनी होती है। कपड़ा मैंने 4 times फोल्ड किया है, ठीक है। ये डबल फोल्ड और ये 4 times मैंने इसे फोल्ड कर लिया। यहाँ पर मेरा फोल्ड है, यहाँ से आपको स्लीव लेंथ लेना है प्लस उसमें 1 inch ऐड करना है, ठीक है। अब कटोरी ब्लाउज है तो आपको नीचे स्लीव्स में पट्टी लगानी होती है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपको मेजरमेंट लेना है 1/4 ऑफ चेस्ट, ठीक है। चेस्ट का मेरा 1/4 आता है 8.5, तो यहाँ से आपको 8.5 ले लेना है, ठीक है। उसमें प्लस वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना आता है उतना ही लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है 2.5 inches, ठीक है, इस तरीके से आ गए। और यहाँ से आपको हाफ ऑफ स्लीव राउंड प्लस 2 inches, स्लीव राउंड मेरा 11 था, 5.5 आएगा, प्लस 2 किया 7.5 आएगा, और इन दोनों को इस तरीके से मिला लेना, ठीक है। यहाँ स्लीव्स का हम हमेशा जैसे शेप लगाते हैं कि हम इन दोनों को मैच करते हैं, सेंटर निकालते हैं 1/2 inch ऊपर 1/2 inch नीचे, और यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट आना है क्योंकि ये आपका यहाँ पर आप सिलाई लगाते हो फिटिंग की, तो वो दोनों स्ट्रेट आना चाहिए। इसलिए यहाँ से आपको स्ट्रेट लेना है और फिर फ्रंट और बैक के शेप लगाने। ये मैंने फ्रंट का शेप लगा लिया और ये मेरा बैक का शेप, ठीक है। जो मैंने 1/2 inch ऊपर और नीचे लिए थे, जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट से ही होते हुए आपका स्लीव्स का शेप जाए, वो हम गाइड पॉइंट के लिए लेते हैं, तो उसके थोड़ा आसपास भी गया तो भी चलता है, ठीक है। अब हम इसे कट कर लेंगे।